Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to discuss The Hub of India, the work by Henry Dodsgrove. Actually, Henry Louis Vivian Dodsgrove. आप इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि व्हाई दिस इज रिंग फॉर पोएट्री फॉर ऑल दोज आर रियली और रियली प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश ऑनर्स एम इंग्लिश ऑन एट यूजीसी. उनको इस पोएट्री को करने का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई दिस पोएट्री इज रियली इंपॉर्टेंट एज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. और इसमें कई सारी चीजें along that we can know that ki sir isme hamare paas sonnet ka use kiya gaya, that is a Shakespearean sonnet, but we don't have really the same procedure that was being followed in sonnets. Sonnet mein issues like aapke the kuch concept hote hain, first 8 lines then octave and last 6 lines that is sunset, usko follow nahi kiya gaya. Isko divide kiya do lines mein 7 and 7, jisko poet ne apne hisab se do alag alag views mein banta. The first it shows the sadness and the other one here we are having a hope. दोनों को क्लियर किया गया. अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव अ गुड यूज ऑफ सिमिली. सिमिली ऑन अ हाई पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर. द मेटाफर बीइंग यूज्ड विद द वर्ड द हब ऑफ इंडिया. सो द हब सीरीज से वो बोलते हैं कि हब का बेसिक मीनिंग क्या है, तो हम बोलते हैं हम उसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसको हिंदी में वीणा बोलते हैं. द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट. दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, द फर्स्ट द बिगिनिंग एंड देन द लास्ट फेस जो हमें हाईलाइट करता है. इट्स ऑल अबाउट द लॉस ऑफ सम प्रिविलेज दैट इंडिया वाज हैविंग अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. वी हैव लॉस्ट आवर म्यूजिशियंस, वी हैव लॉस्ट आवर ओन ट्रेडिशन. द कॉन्सेप्ट द आर्टिस्टिक वर्क्स उसको हाईलाइट किया गया. We need to go for the background of the poet. Yes, it's better to have a knowledge regarding the poet's background, जो हम later on किसी और class में discuss करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ poetry को clear करना है. Then what's the poem really going to tell you all about it? Let's start the class. The first thing we are having the hub of India. Why hangest thou lonely you with withered bow? सब पर्सोनिफिकेशन हाईलाइट कर दिया, पर्सोनिफिकेशन से हाईलाइट कर दिया, यहां पे हाईलाइट किया गया, यू बोला गया, किसी नॉन लिविंग को लिविंग से कंपेयर कर दिया. द फर्स्ट थिंग व्हाई हैंगस दो लोनली ऑन विदर्ड बो, या क्यों हैंग हो रहे हो, बेसिकली डेड ब्रांच पे एक वीणा शॉर्ट ऑफ वीणा बोला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैंग हो रहा है, तो उससे क्वेश्चन करा. द बिगिनिंग ऑफ द पोएट्री इज विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से शुरू होती है, जहां पे वो खुद एक क्वेश्चन कर रहा है दैट व्हाई हैंग्स दो लोनली ऑन द विदर्ड बो, अनस्टम फॉरएवर मस्ट गो देयर रिमेन. सर अनस्टम क्योंकि अब उसमें वाय नहीं. इफ यू रियली प्ले द वीणा और शॉर्ट ऑफ गिटार भी प्ले करते हैं तो उसमें वायर्स होनी चाहिए जो साउंड प्रोड्यूस करती. इफ समबडी गेट आउट दैट वायर तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी. तो यहां पे क्लियर है, जो वहां पे बताया उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैंग कर रहा डेड ब्रांच पे, उसमें वो वायर नहीं, that would be missed now. निकाल दी याद नहीं है उसमें, ये हमें नहीं पता, वो बिल्कुल बिना उसके हैंग करे तो उसका कोई यूज नहीं. इट्स लाइक अ डेड डेड ऑन अ डेड ब्रांच. अनसंग फॉरएवर मस्ट गो देयर रिमेन. द म्यूजिक वंस वाज स्वीट, यस इट वाज अ मेलोडियस म्यूजिक दैट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट हर्ब. उस हर्ब से जो म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ था वो मेलोडियस होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट नाउ इट कैन नॉट प्रोड्यूस द म्यूजिक. The music once was sweet, who hears now? Why will the breeze sigh over thee in a vein? But now it's all a waste. When the air passes through, to uska bhi koi use nahi, because it cannot produce the sound. It cannot produce the musical sound that it used to be. क्योंकि अब उसमें वो वेन ही नहीं है. अगर आप बोलते सर वो वायर नहीं है उसमें, तो वो जो वायर नहीं होगी तो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा. हमें समझना है कुछ बेसिस को, पोएट की सोच को हाईलाइट करना है. कहीं ना कहीं सैडनेस दिख रही है, ही वाज रियली वेरी वेरी मच सैड. कहीं ना कहीं आप बोलो सर ही वाज सैड और इन अ बैड मूड बिकॉज ही वाज बीइंग रियली रिग्रेटिंग ओवर द लॉस ऑफ इंडियन कल्चर. म्यूजिकल कल्चर डिफाइन करेंगे पूरी तरह से बताएंगे. म्यूजिकल कल्चर उसको कहने के लिए ग्लोरी थी जो वो आज नहीं, इट वाज बीइंग लॉस्ट समवेयर. एंड देन हियर वी आर हैविंग द म्यूजिक वाज सो स्वीट who here is now, why do the bees sigh over the in a vein, silence hath the bound with her fatal chain, neglected mute and deserted art though. Neglected puri tarah se neglect kar diya sir, neglect kiya gaya kisko, kiya gaya un sare poets ko, un verse ko, un musical instruments ko, un sari famous things wala mat se, the good things those are there, unko neglect kar diya, puri tarah se avoid kar diya. यहां पे पोएट ने पूरी तरह हाईलाइट किया, ही वाज बीइंग फीलिंग द पेन.
as he treat himself as a Indian. Yeah, his father was a British, his mother was a Bengali, but उसके बाद में खुद को इंडियन फील करता है, इंडिया में ही थे. एंड हाउ ही रिएक्ट विद दिस. द नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डेजर्टेड आर दो लाइक रियूड मॉन्यूमेंट ऑन अ डेजर्ट प्लेन. ही वाज बीइंग कंपेयरिंग अगेन लाइक अ रियूड मॉन्यूमेंट. आप बोलो सर कोई मॉन्यूमेंट डेजर्ट पे. ऑजिमेंडिस पढ़ी थी आपने, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट था जो डेजर्ट था, आज खत्म हो चुका पूरी तरह. नोबडी कैन आईडिया दिखाने क्यों, क्योंकि सर डेजर्ट में है तो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं आएगा, नोबडी कम एंड विल मेक एनीथिंग फ्रॉम इट. सेम विद दिस हर्ब वाज हैंगिंग ऑन अ डेड ब्रांच. तो ये तो हुई फर्स्ट सेवन लाइंस. वी आर हैविंग द फर्स्ट सेवन लाइंस वेयर वी बीइंग सीन द डेजर्टेड और आई मस्ट से द सैड मूड ऑफ द पोएट जो एक एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा है. एंड देन वी आर हैविंग दिस लास्ट सेवन लाइंस वेयर वी आर हैविंग अ होप, अ पॉजिटिव होप. उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सिर्फ वापस हो सकता है. इट कैन कैसे. Oh, many a hand were worthy for then mine. Sir, many a hand then worthy then mine. It's all been telling about कि जो poet थे वो मेरे से भी ज़्यादा capable थे. Really, those poets, the earlier poets, some poets those were really living earlier, who was having a good fame. Those really having a good funds and really they were damn good. When he was being compared with himself, once thy harmony scores, two sweetness gave. कहीं ना कहीं वो स्वीटनेस थी, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी थी उनके वर्क में जो बताई गई. अब हर्ब ऑफ इंडिया इट्स ऑल अबाउट दैट व्हाट वाज इंडिया. उसमें जो क्वालिटी थी उनको हाईलाइट किया गया. एंड देन हियर वी आर हैविंग एंड मेनी अ ब्रेथ फॉर देम डिड फेम एंटर ऑफ द फ्लावर स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मेन स्ट्रीम डे. सर फूल खुशबू देता है, आप बांस तोड़ के नहीं और डालोगे, इवन ग्रेप भी डालो तो भी खुशबू देगा, उसकी फ्रेग्रेंस कभी नहीं जाएगी. यही वो उनकी आरती बोल रहा है कि किसी की आरती तो आर्ट हमेशा रिमेन होती है, हमेशा रहती है. आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किसी पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इट कैन रिवाइव विद द टाइम. क्योंकि वो मैटर मेटीरियल शायद जो उन्होंने पोएट्री में लिखा था शायद कहीं हो, शायद किसको मिल जाए, वो रिवाइव हो सकता है. And many a breath for them did fame and talent flower still blooming on the mainstream wave. Those hands are cold. अब वो poets नहीं रहे, they're dead. Those hands were cold, see they were dead guys. अब नहीं हैं. But if they notes the mind, लेकिन अगर उनके काम, उनके notes, जो work उन्होंने किया था, may be immortal back and once again. अगर वो किसी को मिल जाता, अगर वो किसी को मिल जाता है, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, नए फॉर्म में लेके आया जाता है, तो दोबारा से वो क्या कर सकता है, एक मेलेडी क्रिएट कर सकता है. इट कैन क्रिएट दैट ग्रेट मेलेडी. हर्ब ऑफ माय कंट्री नाउ लेट मे सिंग द स्ट्रीम. तो यहां उसकी होप को हाईलाइट करता. तो ये था पोएट्री का वो फेज जो हमें एंटोनियोलॉजी. तो गाइस इफ यू रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रैक दिस पोएट्री, पहले तो आप इस टेस्ट को समझ लें अच्छे से. ये आपको बहुत इजीली रिकॉग्नाइज करवा देगा कि पोएट्री कहां से है, किसकी पोएट्री. देन वी विल जंप टू द सर्टेन एक्सप्लेनेशन. यहां मैंने आपके लिए इजी एक्सप्लेनेशन दे दी, जिस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगा हम बहुत इजीली एडजस्ट कर लेंगे. इन योर वर्ड्स हियर वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन. द बिगिनिंग ऑफ द पोएट्री वाज व्हाई द हर्ब इज हैंगिंग ऑन द डेड ब्रांच. सो इट इज द बिगिनिंग विद फुल ऑफ सैडनेस एंड मेलंकॉली. When somebody is a great thoughts, मतलब यार what had happened actually, हुआ क्या होगा, क्यों hang कर रहा हूँ. And then beginning the full of sadness and melancholy, where the poet imagine a deep grief and will remain forever once it used to have sweet melodies, but now its strings have been removed. पर अब उसकी strings remove कर दी हैं, told earlier कि उस वीणा से वो तान निकाल दी गई है जो एक song produce कर दी, जो कि म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है, वो अब नहीं. नाउ इट्स नॉट देयर. तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे समझेंगे. एंड देन वी आर हैविंग इट इज नाउ नेग्लेक्टेड म्यूटेड एंड डेजर्टेड लाइक अ वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट इन अ डेजर्ट दैट ड्यूज नाउ. इसको पूरा क्लियर करना है आपने. तो ये वो इंस्ट्रूमेंट था जो कभी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा साउंड क्रिएट करता था, पर अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है. देयर इज नो यूज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट.
Then we'll come to the next phase. The second part begins with a mourn, I repeat, but ends in a hope. It's about the poet who produced good poetry that made them alive after death as last. वो आदमी हैं due to their own works. उनकी पोएट्री है आज भी, तो वो पोएट आज भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं अपनी पोएट्री में. They are still alive with their works. And then still bloom on their graves. In the end, the poet says, those hands are cold, so hot. आज नहीं है. I already mentioned that in the poetry too. वो हाथ आज नहीं है, they're cold. But he decided to name the work and hope that the lost glory of India will be back again. This is all about the herb of India. And I hope यहाँ से जब हम इस पूरी वीडियो क्लास को देख लेते हैं और हमने ऑलमोस्ट नोट साथ साथ बनाए तो हम पूरी की पूरी पोएट्री को क्लियर करते हैं. तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे जिसमें आपको पूरी पूरी पोएट्री का टच मिल जाएगा. जब आप इसको क्लियर करेंगे तो आपको ये टेस्ट लेना है स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते. सो आई ट्राई टू गिव बोथ पिक्चर्स यू, कि आप दोनों पिक्चर्स को क्लियर करेंगे. एंड आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता गाइस. व्हेन समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, यू नीड टू डू समथिंग इन रिटर्न. टिल देन कीप वॉचिंग. बाय गाइस.